जरासंध महाभारत के मगध राज के विश्वव्यापी चक्रवर्ती राजा थे और भगवान श्री कृष्ण के मामा महाराज कंस के परम मित्र एवं रिश्ते में ससुर भी लगते थे। महाराज जरासंध चक्रवर्ती राजा कहलाते थे, जो कि बहुत ही बलशाली माने जाते हैं। सारी शक्तियों से परिपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। इनकी जयंती प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मगध साम्राज्य के क्षेत्रों में मनाई जाती है। इसी कड़ी में 25 नवंबर 2020 को चंद्रवर्षीय संघर्ष समिति के पंतनगर स्थित मुख्यालय में चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध की जयंती मनाई गई। कोविड-19 के चलते यह जयंती बहुत ही सादगी एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कोविड-19 के मानकों का भी पूरा ध्यान रखा गया। जयंती समारोह में नंदू चंद्रवंशी, संतोष कुमार चंद्रवंशी, अशोक कुमार, अरविंद नागेंद्र के साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जल्दी पकड़ो बाबू धाम। काम आज मगध सम्राट श्री जरासंध जी जयंती समारोह के शुभ अवसर पर चंद्रवंशी संघर्ष समिति पंतनगर गया के द्वारा आयोजित सम्राट जरासंध की जयंती में तमाम गया शहर के चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए। इनकी महिमा का अवमान करते हुए सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती में भाग लिया और आगे प्रत्येक साल कार्तिक एकादशी के तिथि के अवसर पर मगध सम्राट जरासंध की जयंती मनाने का काम गयावासी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मगध सम्राट जरासंध महाराज की जय। हम लोग चंद्रवंशी परिवार बहुत धूमधाम से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मनाया। अच्छा लगा। हर साल की भांति इस बार भी हम लोगों ने मनाया, लेकिन कोरोना की महामारी को देखते हुए हम लोगों का जो पर्व है वो फीका महसूस कर रहा हूँ और किया। लेकिन चूँकि मगध के सम्राट थे, कोई छोटा तो थे नहीं, इसलिए मगध सम्राट जरासंध भगवान को हम लोग एक आइडियल के रूप में मानते हैं। हम लोग के रूप जरासंध के वंशज एक तरह से हम लोग हैं और इनको हर साल हम लोग इसी तरह मनाते रहेंगे। चलिए संतोष बाबू, चंद्रवंशियों को हमारे मगध में जो भी है बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी लोगों को जरासंध महाराज जी की। आज हमारे जरासंध महाराज पूरे मगध में और विश्व में जाने जाते हैं, तीनों लोक में उनको पहचाने जाते थे। उनके हम लोग सभी वंशज हैं और एक हम लोग का प्रयास है। आज 553वां जन्मदिन इनका मनाया जा रहा है और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक पूरे विश्व से सोचेंगे, जो भी हमारे इंडिया ऑल ओवर इंडिया में जितने भी चंद्रवंशी हैं सबसे यही कहेंगे, आग्रह करते हैं कि सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं और आगे भी मनाते रहें। हम लोग की छोटी सी एक प्रक्रिया है, हमारे बड़े भाई हैं, सब गार्जियन लोग हैं, सभी लोगों का एकता मनोबल बढ़ता रहे इस तरीके से और हर सभी लोगों से आग्रह करेंगे आए मिले एकत्र हुए और हम लोग एकत्र होकर के अपना समाज को बढ़ाएं, हाथ बढ़ाएं और हम लोग सभी पूजा में शामिल हो। आइए नगेंद्र भैया। नमस्कार। नागेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जरासंध पूजा के प्लस में हमारे पुरखों हैं मगध सम्राट जरासंध जी। मैं चाहूँगा मगध एरिया में जितने सारे लोग चंद्रवंशी हैं वो अपने अपने घरों पर मनाएं, इसलिए इससे लोगों को जागरूकता बहुत ज़्यादा होगी। हर मोहल्ला मनाए, जैसे कि दशहरा मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा मनाते हैं ये लोग और चित्रकूट पूजा भी लोग मनाते हैं काय समाज के लोग, तो चंद्रवंशी क्यों नहीं मनाते हैं भाई? ये क्यों डरते हैं कि हमारा चंद्रवंशी कहने में शर्म लगता है लोगों को? ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपने बहुत सारे लोग चंद्रवंशी भाइयों जात छुपाए हुए हैं, छुपाना नहीं चाहिए। अब खुल के बोलिए कि मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं द्रासन महाराज का मैं वंशज हूँ और रहूँगा। आगे चल करके हमारा देश इसी के क्लास में रहता है, रह रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़े और बढ़ते रहे। मैं अपना बातियों का विराम देता हूँ। आज द्रासन जी के जन्मोत्सव पर आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज के कहना चाहता हूँ कि समाज एकजुटता हो, एक को लेकर सबको चले, अपने अपने समाज में सबको अपना लेकर चले कि हमारा समाज बहुत पीछे है। इसलिए पीछे है कि समाज में बहुत लोग हैं ना, गरीब तक लोग। हम चाहेंगे गरीब लोग को ज़्यादा पूछिए, पैसे वाले का मत पूछिए। जो रिक्शा चलाने वाला है, राज मजदूरों में खटने वाला है, बेचारा होटल में खटने वाला है, उसको हम लोग नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं भाई? ये छोटा है, गरीब है, इसलिए उसको नहीं पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग उसी को पूछें, बड़े लोग नहीं पूछें। बड़े लोग तो बड़का आदमी जिला ही रहा है कि हम तो बड़का, हमको बहुत, हमको कुछ कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने बातों के ब्रांड देता, मैं जय मगध सम्राट द्रासन महाराज की करेगा। हम से सज्जन आने के लिए मैं आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समाज में समरसता, आज का आयोजन का मुख्य मतलब उद्देश्य जो है चंद्रवंशी समाज में समरसता कायम करना, और समरसता कायम रखते हुए अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को द्रासन जी के पूजा के रूप में मनाना, और इनकी कीर्ति को हिंदुस्तान के कण कण में पहुंचाना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं द्रासन समिति पूजा समिति के आए गए सभी मेहमानों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय चंद्रवंशी समाज, जय से द्रासन, जय चंद्रवंशी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं आज पूजा के अवसर पर? पूजा के अवसर पर हम लोग इसी तरह से मनाते रहेंगे, हम लोग मनाते रहेंगे।